मंगल पांडे इंसिडेंट टू प्लेस एट, मंगल पांडे इंसिडेंट जो रिवोल्ट 1857 में होता है वो कहां पे होता है? मेरठ, भरतपुर, अंबाला या लखनऊ? मेरठ, भरतपुर, अंबाला या लखनऊ कहां पे होता है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है भरतपुर। आई होप कि आपने ये वाला सेक्शन पढ़ा होगा और ये जो है आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। सो क्वेश्चन टू है द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाज, द इमीडिएट कॉज इसका क्या था? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी, सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, मिलिट्री डिसकंटेंट, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा था। तो इसका जो है बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सा था। तो इनमें से जो है ये था पहला कॉज जिससे जो है ये रिवोल्ट आगे बढ़ता है, ये है सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन, जब रिलीजियस अफेयर्स में जो है मिलिट्री के या पब्लिक के इंटरफेयर करने लगते हैं तो ये जो रिवोल्ट इरप्ट होता है। तो क्वेश्चन थ्री पे चलते हैं। When was the new Enfield rifle with the grease cartridge introduced by in the British Indian Army? ये जो है जो immediate एक most important cause था introduction of the grease cartridge, ये जो है ये कब introduce किए गए थे? The first पहला option है November 1856, December 1856, January 1857 या February 1857। तो इसका answer क्या होगा? I hope आप भी साथ साथ में try कर रहे हैं। तो इसका answer है December 1856 इसका answer है। तो next चलते हैं question four पे। With which uprising is Mangal Pandey associated? इनमें से कौन सी uprising के साथ Mangal Pandey associated है? Bharatpur, Meerut, Delhi या none of these? कौन सी अपराइजिंग के साथ जो है मंगल पांडे एसोसिएटेड था? तो अगर आपने इसे पढ़ा है तो इसका आंसर है भरतपुर, भरतपुर में जो है मंगल पांडे उस टाइम पोस्टेड था। तो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्शंस इज ट्रू अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857? इन रिवोल्ट ऑफ 1857 में से इनमें से कौन सा जो है सही है? तो पहला है इंडियन हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज एन इंडियन म्यूटिनी, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैव डिस्क्राइब्ड इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट वाज अ डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया, इट वाज फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इन इंडिया। सो इसका क्या आंसर हो सकता है इनमें से अगर आप सही से पढ़ें? तो हमें पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इसके बाद रूल ही खत्म होता है तो फिर ब्रिटिश क्राउन टेक ओवर करता है। तो आंसर होगा सी, पार्ट सी, डेथ ब्लो टू द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया।